नमस्कार, मैं फिर आप सबके सामने उपस्थित हो गई हूँ। सभी बड़ों को मेरे प्रणाम, छोटे को बहुत सारे प्यार। आज जिनके बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या स्पेशल डे, उन सब के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। एक्चुअली आज ना मैं सुबह, मतलब मेरा सुबह ऐसे 12 बजे मैं बात करना शुरू कर रही हूँ आप लोगों से। मैंने जैसे बताया ना कल कि मैं थोड़ा बिजी मेरा चल रहा है, बिजी तो हूँ और घर का काम मुझे उतना खास नहीं लगता। खैर, पर घर का मतलब मेरा ये रूम का हाल बहुत ख़राब है। जो भी आ रहा है ऐसे रख रही हूँ, ऐसे रख रही हूँ, तो बिखरे हुए पूरा रूम। तो थोड़ा सा ठीक करूँगी तो वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। पर आज एक बहुत अच्छा खबर है कि झीनुक फिर से अपने आप खा रही है, मतलब काफ़ी ठीक है मेरे हिसाब से, तो अभी काफ़ी बेटर है, काफ़ी नॉर्मल है। एंड आई नो आप सब झीनुक को बहुत प्यार करते हो, तो आप सब भी थोड़ा प्रे करो और ऐसे प्यार बरकरार रखो ताकि झीनुक अच्छे रहे, खुश रहे। क्या होता है ना, वो कुछ एक कहावत है कि मतलब एक बार आपको एक धक्का लगे ना, फिर आपको छोटे छोटे साइन में डर लग जाता है। मतलब रेनी के लिए हमने इतना फेस किया, अभी ना ऐसा लगता है कि झीनुक थोड़ा सा भी इधर से उधर होता है ना तो टेंशन शुरू हो जाता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब हमारे लिए एक बहुत अच्छा रिलीफ है कि अभी वो काफ़ी ठीक है, अपने आप खा रही है, मतलब ठीक है, शी इज़ हैप्पी। हाँ, कभी कभी याद तो आता होगा वो सबको ही, पर इन जनरल उसको देख के लग रहा है बहुत अच्छी है और ऐसे ही रहे। तो चलो, आज एक्चुअली पूरा दिन मेरा बैक टू बैक कुछ ना कुछ है, क्लास है, मीटिंग्स है, तो जैसे जैसे होता जाएगा मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, आप लोगों को साथ में लेके चलूंगी। पहले तो थोड़ा सा रूम ठीक कर लूँ, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। चलो देखो मेरा बेडरूम का हाल देखो। एक्चुअली मैं जैसे बोल रही थी ना कि मेरे पास टाइम थोड़ा सा भी शॉर्टेज हो रहा है, पर वो तो है, पर मेन बात यह है ना, घर का काम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए देखो क्या हाल है पूरा मेरा रूम का, यहाँ से मैं पूरा दिखाती हूँ। देखो अब मेरे पास थोड़ा सा समय है तो मैं अभी सोच रही हूँ इसको ठीक करूँ, तुम लोगों को दिखाती हूँ। पर एक बात मैं बोलूँ कि समय है पर अभी ऑलमोस्ट 1 बज गया दोपहर को, तो फिर भी मैं करती हूँ। चलो तुम लोगों को दिखाती हूँ। Thank you.
देखो 10-15 मिनट लगाया मैंने, तो आई थिंक थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत एकदम डेकोरेशन किया, डेफिनेटली नॉट, बट इतना ऐसा लग रहा था ना, सब सामान बिखरे हुए, तो थोड़ा सा ढंग का किया है। भी देखो जो बहुत बिखरा हुआ था थोड़ा ठीक से रखा। एक्चुअली क्या ना, कोई भी सामान ना फेंकने का मन नहीं होता है, मतलब अगर एक्सट्रीम ऐसा लगे कि अरे ये तो एकदम ही फालतू है तो फेंकती हूँ, एंड आई थिंक ये मैं नहीं सभी लोग करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे ही उठा के फेंक देना ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए जितना हो सके सब कुछ रख के घर सजाने का कोशिश करो ना, तो बहुत मुश्किल होता है। अगर आप फेंक सकते हो तो एकदम फटाफट घर बहुत अच्छा साफ हो जाता है। चलो आजकल ना झीनू खुद खा रही है, हम लोग बहुत खुश है कि अभी उसको उतना पैम्पर करना नहीं पड़ रहा है कि भैया खाओ, मम्मा खाओ, बेची खाओ, अपने आप खा रही है, तो हम बहुत खुश है। अब देख सकते हो किस तरह से खा रही है। चलो चले चलो, देखिए ऐसो ऐसो दोई 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 जी, ऐशो ऐशो खाओ। देखिए कुछ ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा प्यार करो तो ही खा रही है, अपने आप खा रही है, सो वी आर वेरी हैप्पी। अच्छा देखो डरना मत, मैं आज जैसे बोली ना कि आज थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा रूम ठीक किया और फिर उसके बाद ये भी लगा लिया, क्योंकि वो सब करते हुए मुझे मिला कि बहुत सारे मास्क ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि बेसिकली मैं लेज़ी हूँ और मुझे ना ये सब काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पर फिर भी मैंने एक लगा लिया। अभी मैं खोल के भी दिखाती हूँ, और विच वन आई एम यूजिंग ना, कौन सा मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं तुम लोग को एक बार दिखा देती। लग रहा है ब्राइट? अच्छा ये देखो, ये जो मास्क मैं बोल रही थी मैं यूज़ किया अभी, ये डीप प्योरीफाइंग ब्लैक चारकोल मास्क, ये इसका प्राइस मैं दिखाती हूँ, इट्स 645 रुपीज़, और इसमें 5 मास्क रहता है, एंड मैं दिखाती हूँ वो भी, ये देखो ऐसे पैकेट ऐसे अलग अलग 5 है, जिसमें अभी 3 दिख रहा है मुझे, तो आज तो अभी एक यूज़ किया और लास्ट कब किया, मतलब एक और कब किया वो कुछ याद नहीं, क्योंकि मुझे ना ये सब में इंटरेस्ट भी नहीं है और थोड़ा सा मैं ये सब मामले में लेज़ी हूँ, बट चलो आज तो कर लिया, फिर देखेंगे नेक्स्ट कब होगा। देखो अभी मैं ऊपर आ गई, मतलब मेरे स्टूडियो आप आजकल ना थोड़ा कम आना होता है, मतलब जब कोई काम होता है तब भी मैं आती हूँ, अदरवाइज उतना नहीं होता है, वो काम वाले लोग आके साफ सफाई करके रोज जाते हैं, पर जब बेटियाँ रहती थी शादी के पहले तब का जो टाइम है और अभी बहुत फर्क है। अभी भी जैसे वान से भी वो कोशिश करते हैं, अभी पुणे में है तो आ जाती है, यहाँ ही रहती है, पर पहले का जो बात था ना, तो कोविड में 24 आवर्स मतलब घर पे थी वर्क फ्रॉम होम, उसके पहले भी, क्योंकि वो ऊपर रहती थी मैं नीचे, तो हम लोग तो वो रिनी जिनू को लेके ऊपर आना जाना, मतलब एक अलग ही मज़ा आता था, एक क्या बोलते एग्जैक्टली मुझे, मतलब एक फेस्टिव सीजन जैसे हम जीते थे, क्योंकि मैं और बेटी अगर साथ में रहते ना वैसे ही हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, ऊपर से रिनी जिनू, ऊपर से ऊपर नीचे, अभी ये करो अभी वो करो,
तो वो एक ऐसा दौर था, आजकल उतना वो नहीं हो पाता है। डेफिनेटली मैं आती तो हूँ, रेगुलर बेसिस आती हूँ, लेकिन वो वाली बात नहीं होता, तो थोड़ा सा वो फील होता है। खैर मैं आ गई ऊपर, तो अभी काम है, काम कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अभी ना मैं ऊपर से आई हूँ, मतलब क्लास करके स्टूडेंट आई थी, वो सब करके अभी नीचे आई हूँ। अभी मैं चाय और वो एक्चुअली पोहा, और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा नमकीन दे दिया, वो अच्छा लगता है, थोड़ा कड़क मुँह में आता है ना क्रिस्प कुछ, तो अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा दे दिया। तो अभी मैं चाय नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मेरा एक मीटिंग है, पर अच्छा है कि ऑनलाइन मीटिंग है। आजकल ना कोविड के बाद ये एक अच्छा हुआ कि ऑनलाइन ज़्यादातर हम लोग चाहते हैं कि हो जाए, तो ऑनलाइन मीटिंग है, चलो फटाफट ये ख़त्म करती हूँ, फिर मीटिंग में बैठती हूँ। चलो चलो इधर चलो 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 जी नो कम कम आगे चलो आगे चलो आगे ये से बस चलो 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 आगे जाओ चलो चलो देखो मैं अभी झिनुक को लेके नीचे आई घुमाने के लिए। हाँ नमस्ते, अभी ऊपर जाना है, चलो बस चलो चलो ऊपर ऊपर। आज पूरा दिन सुबह से कुछ ना कुछ कर रही हूँ मैं, एंड डेफिनेटली देख के भी लग रहा है ना कि मैं बहुत थक गई हूँ, ऐसे थोड़ा सा टायर्ड तो लग रहा है। तो अभी मैं फटाफट फ्रेश होके सोने जाऊंगी, लेकिन नहीं होता है मतलब बोलने से इतना जल्दी मेरा तो सोना कभी होता नहीं है, बिकॉज़ अभी एडिटिंग भी करना है, तभी वीडियो कल अपलोड होगा, एंड देन थोड़ा बहुत तो घर का भी रहता है, किचन थोड़ा सा लास्ट का क्लीन करना, तो ये सब छोटा मोटा तो है ही। पर मैं अगर बैठी नहीं रहती हूँ ना, बिज़ी रहती हूँ ना, तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। चलो बहुत जल्द फिर मिलूँगी। तो माय चैनल शेड्स ऑफ लाइफ विद मौली, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, कमेंट तो ज़रूर करना, आप लोग के कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत जल्द फिर मिलूँगी, नमस्कार।